हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवन टेक न्यूज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आसान तरीकों के बारे में जिससे आप अगर अपने स्मार्टफोन का पासवर्ड भूल गए हैं तो खोल सकते हैं मिनटों में। कोई अपने फ़ोन में लॉक लगा कर रखता है, चाहे पैटर्न हो, पिन हो, फिंगरप्रिंट या पासवर्ड। फ़ोन लॉक करने के लिए किसी की टांग झांक ना करे, डर रहता है। मगर कई बार हम अपने स्मार्टफोन का पासवर्ड लगा कर भूल जाते हैं, जिससे बाद में परेशान हो जाते हैं कि अब फ़ोन अनलॉक कैसे हुआ, खुलेगा कैसे। तो बता दें कि इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप मिनटों में अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकेंगे। जीमेल की मदद से फ़ोन करें अनलॉक। फ़ोन में कई बार पासवर्ड ना याद होने के बाद भी अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो उसमें एक फॉरगॉट पैटर्न या फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा जिससे आप क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने गूगल अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर साइन इन करना होगा। इसके बाद आप नए पासवर्ड डालकर फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। फ़ोन फैक्ट्री रीसेट करें। इस तरीके को अप्लाई करने के लिए पहले एक बात का ध्यान रखें कि इससे फ़ोन में जो डाटा, फ़ोटो यानी कि गाने वगैरह जो भी आपके होंगे दोबारा नहीं मिलेंगे। यानी कि इस तरह से आप अगर आप अपना फ़ोन अनलॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर के जरिए, यह तरीका उन्हीं एंड्रॉयड डिवाइस पर काम करेगा जिनमें एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर एक्टिव है। इसके लिए आपको एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर की वेबसाइट पर जाकर गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। ध्यान रहे, ये वही अकाउंट होना चाहिए जो आपके फ़ोन में डाल रखा है। लॉगिन करने के बाद ईरेज पर क्लिक करें जिससे आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और आप दोबारा पासवर्ड सेट कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस ट्रिक को भी आपको सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। वॉइस असिस्टेंट के ज़रिए भी अलावा एक और ऑप्शन है, वह ये है अगर आपने अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट पहले से ही सेट कर रखा है तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रखिए, तो अनलॉक विद वॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप ओके गूगल वॉइस पर अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं।